करीबियों पर एक्शन अभी भी जारी है। इसी कड़ी में मुख्तार के करीबी बिल्डर पर एक्शन लिया गया। इसके तहत एफआई टावर और एफआई अस्पताल में बने कुछ निर्माणों को एलडीए ने अवैध घोषित कर दिया, जिसे ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर के न्यू एफआई हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। एफआई टावर पर बने दो फ्लोर अवैध घोषित किए गए थे, जिन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर शोएब इकबाल, मोनिस इकबाल, सिराज अहमद और माइकल के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के करीबियों पर अब पुलिस फिर से शिकंजा कस रही है, जहां पर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उनके एक करीबी हैं जिनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। लखनऊ से तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी के एक करीबी बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, बताएं क्या है पूरा मामला? देखिए मनीष, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जा रहे हैं, और आपको ये भी बता दूं कि जो एफआई टावर है उसके एनडीए द्वारा पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, और आज जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, बुलडोजर चल रहा है। कभी अब तक आपको बता दूं कि जो बिल्डिंग है उसमें दो माले, जो दो तल है, सातवां और आठवां तल, उसे पूरी तरीके से अवैध बताया जा रहा है, क्योंकि नगर एलडीए द्वारा पहले ही जो इस पे जो परमिशन दी गई थी, जो इस पे परमिशन दी गई थी, वो सिर्फ छह माले की दी गई थी, लेकिन अब दो माले एक्स्ट्रा अलग से निकल के सामने आए, जिसको लेकर के एलडीए द्वारा इसको ध्वस्त करने का आदेश किया गया है। और आपको बता दूं कि जो एफआई हॉस्पिटल है उसको पूरी तरीके से एलडीए द्वारा अवैध बताया गया है, और उसको भी ध्वस्त करने के लिए बाबा का बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। देखिए, जिस तरीके से बता दूं कि ये मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जा रहे थे, इससे पहले भी एलडीए द्वारा नोटिस दिया गया था, फिर इसे खाली करवाया गया, खाली करवा के आज बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो चल रही है। जी मनीष, रोहित, क्या इस पूरे मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या किसी का चेहरा या नाम सामने आया अब तक? नहीं, बिल्कुल आपको बता दूं कि मनीष, की इससे पहले भी इससे तैयार हो चुकी है। आपको बता दूं, इससे जो मुख्तार अंसारी बिल्डर के करीबी जो बताया जा रहा है, शोएब इकबाल, मोनिस इकबाल और सिराज अहमद और माइकल के खिलाफ कैसरबाग में एफआईआर दर्ज है, लेकिन किसी प्रकार का भी कोई गिरफ्तारी का चेहरा सामने नहीं आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के करीबी हैं जिनके ऊपर बाबा का बुलडोजर चला है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये वही अवैध निर्माण है जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं पुलिस अब पूर्ण रूप से एक्शन मोड पर आ गई है। अब देखना यह होगा कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और क्या आरोपी गिरफ्त में आते हैं या नहीं।